वेलकम व्यूवर्स, आई एम बैक अगेन विथ माई थर्ड वीडियो विच इज़ ऑन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम की रीच इंगेजमेंट कैसे बढ़ानी है, ये मैं आपको इस थर्ड वीडियो में बताऊँगा। अब आपको ये पता है कि इंस्टाग्राम ने अपना 2018 में एल्गोरिथम चेंज कर दिया है, तो जो पुरानी टेक्निक्स थी वो अब काम नहीं करेंगी, जैसे फॉलो फॉर अनफॉलो और मल्टीपल हैशटैग्स डालना, तो ये सारी टेक्निक्स अब काम नहीं करेंगी क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है और काफ़ी अब इंस्टाग्राम कंसर्न्ड है कि स्पैम और फेक प्रोफाइल्स उनके अकाउंट पे ना जाएं। तो सबसे पहला जो तरीका है फॉलोअर्स को, रीच को, इंगेजमेंट को बढ़ाने का, वो ये है कि आप किसी अपने ही इलाके में, अपनी ही नीश के किसी सोशल इन्फ्लुएंसर को ढूंढें जो आपको शाउट आउट दे। अक्सर ये पेड होते हैं, अगर कोई दोस्त है या कोई है तो वो आपको फ्री में कर देगा, वरना ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पेड अकाउंट होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी काफ़ी रीच बढ़ती है। अगर आपका ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है तो आपकी काफ़ी सेल बढ़ सकती है इससे। सेकेंडली ये होता है कि आप टारगेटेड जो है पेड प्रमोशंस करें अपने ही इंस्टाग्राम, जो सबसे बेहतरीन तरीका है। थोड़ा स्लो है, स्टडी है, लेकिन क्वालिटी फॉलोअर्स आते हैं, रियल फॉलोअर्स आते हैं। थर्ड जो तरीका है वो ये है कि आप किसी भी सोशल डिजिटल एजेंसी को, किसी भी अच्छी डिजिटल एजेंसी को जो है अप्रोच करें और उनको जो है आप अपना बताएं कि आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितनी रीच चाहिए, क्या एंगेजमेंट चाहिए, वो आपको देंगे, लेकिन ये नॉन टारगेटेड होगा और इसमें फॉलोअर्स तो आपके बढ़ जाएंगे लेकिन उन फॉलोअर्स की क्वालिटी वो नहीं होगी जो आपको चाहिए। तो वो क्वालिटी अचीव करने, ये मैं बिल्कुल इस ऑप्शन पे जो है आपको कहूँगा कि ये ना सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर है तो आपको कस्टमर मिलेगा ही नहीं, आपका फॉलोअर तो बढ़ गया लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिलेगा जो आपसे चीज़ सेल आपसे खरीदेगा या आपकी चीज़ को लाइक करेगा, या आपका ट्रैवल लॉग है तो वो आपकी चीज़ को लाइक करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो सोशल डिजिटल मीडिया एजेंसीज़ का ये है कि आपका फॉलोअर बढ़ जाएगा, अकाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन उस हिसाब से उनका जो है रीच नहीं आएगी, इंगेजमेंट नहीं आएगी, आपके प्रोफाइल विजिट्स नहीं होंगे। थर्डली, फोर्थ जो मैं आपको बताने लगा हूँ टेक्निक, वो हैशटैग्स हैं, जो पहले बहुत जो है काफ़ी यूज़फुल होती थी लेकिन अब वो इतनी नहीं रही। तो आप अपने अकाउंट में जब डिस्क्रिप्शन दें तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन दें, 1 लाइन 2 लाइन डिस्क्रिप्शन दें और 4 से 10 हैशटैग्स डालें, इससे ज़्यादा मत डालें, क्योंकि जब आप ज़्यादा हैशटैग्स डालते हैं और वो हैशटैग्स मिलियंस में होते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो ट्रैश में चली जाती है और एल्गो के मुताबिक वो बहुत नीचे चली जाती है, तो इसलिए वो पोस्ट जो है इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती। तो आप इसीलिए मैं आपको एग्जांपल्स अगर चाहें तो बता सकता हूँ कि 2 से 10 हैशटैग्स के दरमियान जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा आजकल यूज़फुल है। मैं अपने अकाउंट पे, अपने बिज़नेस अकाउंट पे, अपने पर्सनल अकाउंट पे यही चीज़ जो है फॉलो करता हूँ। थर्ड जो मैं फिफ्थ टेक्निक बताई फॉलो और अनफॉलो वाली, इससे अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया वीडियो के कि 2018 में इंस्टाग्राम ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया है और अब वो इस चीज़ों पे इनका फोकस नहीं है, तो ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एड प्रमोशन हों और वो चीज़ बढ़े। तो इन सब में जो सबसे इफेक्टिव तरीका है दैट इज़ सोशल इन्फ्लुएंसर, और दूसरा पेड पोस्ट आप इंस्टाग्राम से खुद करें, तो वो उसमें आपका अकाउंट जो है ज़्यादा तरीके से रीच गेन करेगा, एंगेजमेंट गेन करेगा। सिक्स्थ जो टेक्निक है वो ये है कि आप अचानक 10 पोस्टें ना डालें, 8 पोस्टें ना डालें, आप 2-2 घंटे के, 4-4 घंटे के गैप से एक टाइम पीरियड अपना बनाएं, एक टाइम लाइन बनाएँ जिसमें आप अपनी पोस्ट करें, तो उससे ये होगा कि आपकी अचानक एक यूज़र के सामने 10 की 10 पोस्ट नहीं जाएंगी, जिसे वो तंग हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो आपकी सारी पोस्ट लाइक नहीं करेगा। 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद आपको, आप उनको एक यूज़फुल कॉन्टेंट देंगे तो वो आराम से आपको जो है अच्छी लाइक्स भी आएंगे, आपको अच्छी रीच आएगी, इंगेजमेंट आएगी। आप ट्राई कीजिए और इसके काफ़ी टूल्स भी हैं जो आप उसमें 10 की 10 पिक्चर्स डाल दें और वो टाइम के हिसाब से आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह की काफ़ी इंस्टाग्राम की और टेक्निक्स हैं जिन पर मैं आगे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ये कैजुअल वीडियो थी मेरे ब्लॉग के स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और मेरे चैनल पे मज़ीद इसी तरह की टैक की वीडियोस जो हैं शिपिंग के हवाले से और ऑनलाइन स्टोर्स के हवाले से आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।